हाय गाइस, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू स्वाहा ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन फूकॉक। तो आज हमारा फूकॉक में दूसरा दिन है और आज हमने सोचा हम पूरा साउथ फूकॉक है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो साउथ फूकॉक मतलब जो केबल कार लेके जाती है, फिर प्रिजन है, साउथ बीच है, वो सब साउथ में आता है। तो आज पूरे दिन के लिए हमने टैक्सी बुक कर ली है जिसको हमने पे किया है 6 लाख डोंग। तो आज वो पूरा दिन हमें घुमाएंगे। अभी 5 मिनट पहले ही हम होटल से निकले और अभी पहला हमारा स्टॉप है पर्ल फार्म, ये आप पीछे देख रहे होंगे और बाद में मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वी विल विजिट द पर्ल फार्म, देन वी विल गो टू केबल कार। टूर गाइड ने हमें बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दी ये म्यूजियम के बारे में, बट क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा था तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरे म्यूजियम में आपको जितनी भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे प्लेट्स, कुकिंग पैन, पानी भरने के बर्तन, कोरल्स, फॉसिल्स, ये सारे वो चीज़ें हैं जो शिप डूबी हुई है उसमें से निकाल के उसको प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज किया गया है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी है जो 17th century की है। यहाँ पे देखिए, ये एक सिक्कों की गड्डी है तो उसके आसपास का पार्ट हटा दिया गया है एंड इट्स लुक लाइक अ शोपीस नाउ। तो ये मैं ऐसा है जो मैंने पहली बार देखा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोरल्स है जो डेड कोरल है, ऑलमोस्ट 17th century के है, तो ये भी कुछ ऐसा था जो हमने पहली बार देखा। इसके बारे में उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर की। ये जो अभी आपको एक टुकड़ा दिख रहा होगा बट एक्चुअली ये कुकिंग पैन है, तो इन्होंने ये दिखाने के लिए रखा है कि इसको पूरा निकाला नहीं गया है बट एक्चुअल किस फॉर्म में ये मिला था। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे सी क्रिएचर है उसके फॉसिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 17th century और कुछ कुछ तो उससे भी पुराने हैं। ये सारे जो टुकड़े हैं वो 6 डूबी हुई शिप में से निकला हुआ रैकेज है। इसको कैसे आगे वो निकालते हैं उसकी भी वर्कशॉप यहीं पे है। तो ये वर्कशॉप में ये पूरा काम होता है जहाँ पे उसको थोड़ा सा अलग करते हैं। ये शेल फॉसिल है जो करीबन 2000 साल पुराने हैं। एक एक शेल का वेट उन्होंने बताया कि 200 kgs है। तो ये भी कुछ ऐसा था जो हमने पहली बार देखा। इसी पर्ल फार्म में जो नेचुरल आर्टिकल है वो बनाए जाते हैं, तो इसको इस तरह से क्लीन और थोड़ा शेप किया जाता है। तो उसके ऊपर पूरा उनका शोरूम है जहाँ से आप ले सकते हैं। ये उनका एक छोटा सा वर्कशॉप है जो हमें देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा देख के। इस टाइप के आप आर्टिकल यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको ना लाइव डेमो दिखाएंगे कि वो पर्ल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लेडी है वो हमें दिखा रही है कि हाउ दे रिमूव पर्ल फ्रॉम दिस। और इसी पर्ल की ज्वेलरी आप ऊपर से ख़रीद सकते हैं। ज्वेलरी में भी उनके पास बहुत सारी वैरायटी है। ये देखिए फ्रेश पर्ल। सेकंड फ्लोर पे उनका बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है। ये जो लेडी है वो पर्ल में होल कर रही है इस मशीन की मदद से। यहाँ पे आप इस टाइप की काफ़ी सारी ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं। और सारी ज्वेलरी आपको गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, वो तीनों में आपको मिल जाएगी। पर्ल आप जो भी चूज़ करें, जो मटेरियल आप चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे। इसके सिवाय ये कुछ एलिगेटर स्किन प्रोडक्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ सोवेनर है जो आप चाहे तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इस टाइप के घर के लिए शोपीस और फर्नीचर आप ख़रीद सकते हैं जो उनकी मैंने वर्कशॉप दिखाई उसमें बनते हैं। Thank you.
तो अभी हम केबल कार स्टेशन पहुंच गए हैं, तो अभी यहाँ से केबल कार लेंगे। और हमने टिकट बाहर से ही ले लिए थी, तो उसका हमने पे किया 5,40,000 पर पर्सन। तो हमने दो लोगों की टिकट ली 10,80,000 में। और ये देखिए सामने केबल कार जा रही है। यहाँ पे दो टाइप के टिकट है, सिर्फ केबल कार के टिकट और अगर आपको खाना खाना है तो बफे टिकट। बट अभी हमने सिर्फ केबल कार की टिकट ली है। ये जो सामने भीड़ दिख रही है वो अभी 10:30 की केबल कार जो जाती है उसकी है, तो अभी हम इसी में जाएंगे। ये है केबल कार के टाइमिंग, तो आप इस हिसाब से आने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे बैगेज काउंटर भी है, तो आप आपके बैग्स रख सकते हैं। वहाँ पे कुछ शॉप्स है शॉपिंग के लिए, और एंट्री होते ही एक और रेस्टोरेंट है। राइड करके अभी हम पहुंच गए।
तो अभी हमने लैंटर्न हाउस वो सब घूम लिया और अभी हम जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क। तो उनकी बसेस होती है वो फ्री होती है जो आपको ले जाएंगे अम्यूजमेंट पार्क की तरफ। एक्चुअली अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, सिर्फ रोलर कोस्टर है। तो यहाँ पे कुछ लॉकर दिए गए हैं और वो पूरे अपने आई स्कैन से ओपन होता है तो बहुत ही सेफ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड लुक हियर, ये लॉकर ओपन हो गया, इसमें सामान रख लीजिए। अभी इस तरफ का बटन दबाइए। एक्चुअली अच्छा है कि आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है, अदरवाइज बहुत गर्मी लगती। अभी भी थोड़ा मतलब पसीना आ रहा है बट वेदर इज स्टिल ओके। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा लॉकर ले सकते हो, टॉवल चाहिए तो 50,000, स्लीपर भी आपको यहाँ पे पहनने के लिए मिल जाएंगे। सब डिपॉजिट रिफंडेबल है। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये सारे लॉकर्स हैं और आपको इस टाइप का एक बेल्ट दिया जाएगा, तो अगर आपको अंदर कुछ परचेस करना हो तो आप उससे परचेस कर सकते हैं। और ये ही आप लॉकर पे ऐसे लगाओगे तो इट विल ओपन। तो ये कीज भी है। अभी हम जा रहे हैं मंकी बीच। Thank you.
ओके गाइस, तो हमने पूरा ये सनवर्ल्ड है वो एक्सप्लोर कर लिया। वाटर पार्क में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर यहाँ पे ना उनका एक बीच भी है, बट वहाँ जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं साउथ बीच। तो अभी हम लोग साउथ बीच जा चुके हैं और अभी थोड़ी देर और हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। जो साउथ बीच है वो पूरा वाइट सैंड बीच है और आप नीचे वाटर देखिए कितना क्लियर है। तो अगर किसी को थोड़ा भीड़ भड़क के में रहना अच्छा नहीं लगता है तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। आई होप आपको ये साउथ फूको का टूर अच्छा लगा होगा और हमें तो काफ़ी मज़ा आया। हमें खास करके सनबल में बहुत मज़ा आया। ये बीच भी बहुत ही क्वाइट और वाइट सैंड बीच है तो यहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट फूको डे 3 वीडियो। बाय बाय।